ये जो कांवड़ यात्रा आज 14 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक जो चलेगी, सबसे पहले तो सभी श्रद्धालुओं को यमुनानगर पुलिस की ओर से बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक पुलिस प्रशासन के प्रबंध, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं, उनको काफ़ी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जितने भी रूट्स हैं श्रद्धालुओं के, उनको 6 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर एक सेक्टर पे एक DSP इंचार्ज रहेंगे। हर एक रूट पे ट्रैफिक अरेंजमेंट्स श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पे किए जाएंगे। उनके लिए कंजेस्टेड पॉइंट्स पे अलग से चलने का रास्ता, लाइटिंग अरेंजमेंट्स, जहाँ पे सड़क में कोई टूट फूट है या एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे विशेष तौर पे हमारा नाका रहेगा और ट्रैफिक ड्यूटीज़ रहेंगी। इसके लिए विशेष तौर पे हर एक रूट पे राइडर्स जो हैं वो पेट्रोलिंग करेंगे, और ERVs जो हैं, 8 ERVs को विशेष तौर पे इस पे इन रूट्स पे जो है वहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो रूट के अलोंग जहाँ पे भी कोई मीट शॉप्स हैं, उसके बारे में हमने DC साहब को भी पत्र लिखा है और उसमें आदेश भी जारी किए जाएंगे। वहाँ पे उन मीट शॉप्स को भी जो है वो बंद करवाया जाएगा इस कांवड़ मेले के दौरान। इसके अतिरिक्त जो हैवी व्हीकल्स जितने भी इन रूट्स पे चलते हैं, विशेष तौर पे कलानौर चौकी से होके जो जिला सहारनपुर में जाते हैं, उनको भी 20 तारीख जब कांवड़ का रश जो है वापस वापस गंगा जल लाने वालों का होता है, तो उसके लिए भी वो भारी वाहनों को रेगुलेट किया जाएगा, कुछ मार्गों पे निषेध किया जाएगा और बाकी जगह से इनको डाइवर्ट किया जाएगा। आप कांवड़ यात्रा में हरिद्वार जाने से पहले स्वयं को जो उत्तराखंड पुलिस का पोर्टल है उस पे भी रजिस्टर करवाएं, वो ऑनलाइन पोर्टल है। और उसके अलावा जो प्रत्येक थाने में डेटाबेस, एक एक्सेल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, तो आप अगर कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो अपने नज़दीकी थाने में जाएं, अपना अपना फ़ोन नंबर और आपका कोई इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर है वो भी ज़रूर उनको नोट करवाएं, ताकि आपकी ये जो कांवड़ यात्रा है ये और सुगम बन सके। डाइवर्जन है जिससे कि लोग जी, तो रूट के पे जगह जगह जो हैं वो कांवड़ यात्रियों के लिए और अन्य यात्रियों के लिए जो है कुछ चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, कुछ साइनेजेस लगाई गई हैं। जैसे कलानौर चौकी से होते हुए जो ज़िला कुरुक्षेत्र, ज़िला करनाल में जाने के लिए रादौर क्षेत्र और जटलाना क्षेत्र से जो सड़कें जाती हैं, वहाँ पे भी साइनेजेस लगाई गई हैं। जो थाना छप्पर के एरिया से आगे ज़िला अम्बाला होते हुए जो आगे पंजाब से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पे साइनेजेस की गई हैं। और ये सब इसीलिए किया गया है ताकि ट्रैफिक प्रॉपरली जो है वो मैनेज हो सके और श्रद्धालुओं को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।